मेवात जिले के पिनगवा में पॉजिटिव दंपति कोरोना के घर, डॉक्टरों की टीम प्लेट लगाने पहुंची तो पॉजिटिव कोरोना मरीज के भतीजे ने नशे में डॉक्टरों के साथ गाली गलौज तक की। हतोताप हो गई जब पॉजिटिव मरीज और उसके भतीजे में लात घूंसे तक चले। काफ़ी भीड़ इस दौरान घटना स्थल पर जुट गई और पिनगवा कस्बे में पहली बार केस सामने आने से चिंता बढ़ गई है। दिन भर इसी बात की चर्चा होती रही। झगड़े की खबर के बाद पिनगवा पुलिस पहुंची, तब जाकर मामला शांत हुआ। आप देखें लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इनको बुखार की कोई दिक्कत थी तो ये कल नल्लट दिखाने गए। वहाँ देखने से पहले उन्होंने सैंपल ले लिया, सैंपल में पॉजिटिव पाए गए तो हमने दोनों हस्बैंड वाइफ को पूरी फैमिली को होम आइसोलेट कर दिया है और आगे इनको अपनी देखरेख में रखेंगे। बाकी पूरे पिनगवा का हमने एक्टिव केस सर्वे डोर टू डोर करवाना, कोई ऐसा और सस्पेक्टेड मिलता है या कोई बाहर से आया तो उसके लिए हम लाइन लिस्टिंग जारी करेंगे। अभी जो संक्रमित कोरोना पॉजिटिव मिले हैं उनको कहां पर रखा गया? नहीं, उनको अब हमने होम आइसोलेट कर दिया इनको यहां। एक तो होम क्वारंटाइन होता है, जो सस्पेक्ट पॉजिटिव को हमने होम आइसोलेट पीले रंग का बोर्ड लगाया है तो अगले दिन हमको होम आइसोलेट में रहेंगे, हमने वहाँ शिफ्ट नहीं करना इनको। नहीं देखो, वो तो इनका कोई भाई था, हमने उनको बोला रोकने की कोशिश की गई आप मत जाओ, उन्होंने अंदर गए पूरा गेट खोल दिया, प्लस हमसे भी बदतमीजी की पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई, वो अपनी तरफ से एक्शन लेंगे जो लेना हमको। देखो संक्रमण का, देखो जो एक पॉजिटिव वो इंसान किसी के संपर्क में जाएगा संक्रमण तो फैलता है, तो हमारा थोड़ी सावधानी बरते, आपस में लोगों से दूर रहें और सावधानी बरतना ही मेन चीज है, अदरवाइज फैलने के पूरे पूरे चांस है। क्या उनको भी होम क्वारंटाइन किया जाएगा? नहीं, अगर कोई सस्पेक्टेड मिलेगा, अभी तो कोई सस्पेक्टेड हमें मिला नहीं है, ये दोनों है पूरे फैमिली हमने होम क्वारंटाइन आइसोलेट कर दिए। बाकी और कोई पॉजिटिव अब एक भूरिया की मिला है तो वहाँ जाके वहाँ का भी मेहमान ही हमारे SMO साहब हैं तो आगे चल के देखते हैं। नहीं नहीं आखिर वो तो अभी देखो अलग मैटर हो गया, उसको इनसे कोई लेना देना नहीं, बाहर का उसको नशे में था उसकी पूरा हमने पुलिस को दे दी है, वो अपना एक्शन लेंगे, वो इनसे कोई लेना देना नहीं है उसका। इनको हमने पूरी तरह से पूरी सब चीज़ बता दी है, क्या क्या सावधानी इनको बरतनी है, कैसे खाना है, कैसे रहना, सबको अलग रहना, अलग टॉयलेट यूज करना है, हमने इनको ग्लव्स दिए हैं, मास्क दिए हैं, बाहर नहीं जाना है, मतलब पूरी जो सावधानी बता रहे हैं वो हमने सारी इनको समझा दी है कि ताकि ना तो सोसाइटी में फैले ना लोग इनके घर आएँ कि जो ज़्यादा यहाँ से लेके जाएँ।